नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज फिर रूबरू में एक नई शख्सियत के साथ, और वो शख्सियत ऐसी जो खुले आसमान के नीचे सूर्य को अपनी बाहें फैलाकर स्वागत करती हो, जो किरणों के साथ अपनी ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ता हो। जी हाँ, हमारे साथ है मध्य प्रदेश के नवीन व नवकरणीय मंत्री, साथ ही पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सूर्य ऊर्जा, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां पर बिजली की अपार संभावनाएं, उसके बावजूद बिजली को लेकर लोग परेशान हैं, और आपके पास इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट। नवीनीकरण ऊर्जा का महत्व आज जो एक प्रत्येक व्यक्ति ने जो समझा है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है पर्यावरण की बचत करके सूर्य ऊर्जा का द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा है उसको पूरे मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में लागू करना, जो मोदी जी का सपना, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, जो हमारे सीएम शिवराज सिंह जी चौहान जी का सपना है, और मेरा मानना है कि सोलर ऊर्जा जो आने वाली है और जो पूर्व में चल रही थी और उसको और बढ़ा रहे हैं हम, उसमें भारत का भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य हमारा विभाग तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आज मुझे खुशी है कि रीवा सोलर प्लांट के बाद अभी हमारा विभाग लगातार, जो पिछले दिनों में, पिछले माह में जो हमने कार्रवाई करी थी, उसमें लगातार हमें उपलब्धि मिलते हुए अभी जो टेंडर आ रहे हैं, हम आगर, शाजापुर और नीमच में प्लांट की तैयारी कर रहे हैं। उसमें अभी लगातार जब आप बात कर रहे हैं, तो उसके पहले आगर में हमारे जो टेंडर प्रक्रिया थी वो पूर्ण हुई है, अभी शाजापुर चल रही है, आने वाले दिनों में नीमच चलेगी। करीब 1500 मेगावाट का सोलर प्लांट हम आगर, शाजापुर और नीमच में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है, इसमें आपके माध्यम से जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे दुनिया में, दुनिया के साथ हिंदुस्तान में जो लगातार जो प्रक्रिया चल रही थी, हमारे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली का जो टेंडर हमारे आगर में और शाजापुर में होने वाले हैं, और आगर के तो हो चुके हैं, शाजापुर अभी चल रहे हैं, 239.90 पैसे का रेट अभी हमारे पास आया है। हमने सुना था कि पहले महाराष्ट्र में 242 कुछ था, और आज उससे भी नीचे हमें यहाँ पर उपलब्धि मिली है। सबसे सस्ती बिजली हिंदुस्तान में हम खरीदने जा रहे हैं, और लगातार आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, चाहे वो छतरपुर हो, मुरैना हो या और कहीं हो, हमारा जो विभाग कार्रवाई कर रहा है, जिससे मध्य प्रदेश को फायदा होगा और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। मंत्री जी, ये तो बात रही कि आपके विभाग की बात करें हम, लेकिन हम शुरुआत से जाना चाहते हैं, राजनीतिक जीवन में पदार्पण कैसे हुआ आपका? क्या लगा आपको कि आपको राजनेता बनना चाहिए? कब लगा? राजनीति करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि कुछ ना कुछ मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें कुछ अच्छा काम करें, और इसकी प्रेरणा मेरे को मेरे पिताजी से बचपन से ही जो मिली है कि मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ नाम करना है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते करते ये मन में था कि सेना में जाएं, और सेना के लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं मध्य प्रदेश का बेस्ट कैडेट NCC का रह चुका हूँ, और 1988 में राष्ट्रपति को दिल्ली में RDC परेड में सलामी दी थी। कापनी पिंडारी ग्लेशियर में 17,000 लड़कों का नेतृत्व करा था, और लगातार NCC के माध्यम से मन में यह भावना थी कि हम मिलिट्री में जाएं, और उसके प्रेरणा जो स्रोत थे वो मेरे पिताजी थे, क्योंकि बचपन से ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भीम, अर्जुन, इनकी कहानी सुनी हुई थी कि मनुष्य जीवन मिला है, नाम करना है। तो मिलिट्री में जाने के जो इच्छा थी, कहीं पढ़ाई करते करते 6 महीने उम्र ज़्यादा हुई, और जो उम्र रहती है मिलिट्री में जाने के लिए उसमें ना जा पाए, तो कहीं ना कहीं नाम करना था काम करके। तो स्वासरा जो हमारी पंचायत थी, उसमें हमारी युवा टीम ने कहा कि सरपंच का फार्म भरो, और सरपंच का फार्म भरा। उसके बाद जब उसमें थोड़ी सी पीछे रहा, तो लगातार जनता की सेवा करते रहे। 2000 में वहाँ का सरपंच बनने का जब मौका मिला, और सरपंच जो मध्य प्रदेश का बेस्ट सरपंच के रूप में 5 साल में सम्मानित किया गया, अच्छे काम जन भागीदारी से वहाँ पर हुए,
उसके बाद जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला, जब वहाँ पर अच्छे काम हुए तो फिर विधायक बनने का मौका मिला, और विधायक में लगातार ये तीसरी बार जो मौका जनता ने दिया है, मैं इसका श्रेय मैं अपने माता पिता के शिक्षा को तो मानता ही हूँ और वहाँ की जनता की प्रत्येक जनता को बधाई देता हूँ कि लगातार कोई अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में, अपने दोस्त के रूप में जो सुवासरा विधानसभा की जनता प्यार देती है, ये उसी का कारण कि आज यहाँ पर आज भोपाल में उनके आशीर्वाद से यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। मंत्री महोदय, मेरी तीसरी चौथी मुलाकात है आपसे। मैंने पहली बार अपने, मैं पंजाब में भी काम कर चुका हूँ, मैंने पहली बार एक ऐसा सरदार देखा है जिसकी टच में पंजाबी ना होते हुए मालवी है, जमीन से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा जन्म सुवासरा हुआ है, जिला मंदसौर है, और मालवी की बोली लगातार जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है, और पूरा मालवा क्या बिल्कुल मालवा के रूप में ही एक मेरी पहचान के उधर के जो बोली चाली है उसमें मालवी भाषा का उपयोग होता है, और जहाँ पर पैदा हुए और जहाँ तक पूरी ज़िंदगी वहाँ पर निकली हुई है तो वहाँ पर रग रग में तो मालवी आनी है। उसके बाद वहाँ का जो प्रेम है, जो वहाँ की संस्कृति है, उसका पालन करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, ये उन सभी का आशीर्वाद है, और मुझे खुशी है कि एक मालवा के रूप में, मालवा के पुत्र के रूप में हमें आपके बीच में यहाँ पर। तो तुम्हारे तो दाल बाटी बड़ी घनी पसंद आती होगी। बिल्कुल, वण में कहीं जोरदार जो तड़को लागे, वण में बाटियाँ भी हो लागे, वण में पगारा हो लागे, मतलब कि जब रोटा जिमो तो आनंद आई जाए, आनंद आई जाए। मालवा का प्रेमी, ऐसी बड़ी मीठी बोली है मालवा की। मंत्री महोदय, परिवार में कौन कौन है आपके और किस तरीके से सहयोग करते हैं आपका वो लोग? हम चार भाई हैं, मेरे से एक बड़े और दो छोटे हैं, हमारी एक बहन है जो सबसे बड़े हैं, और चारों भाई हम शामिल ही हैं, और चारों भाई जो जो कहते हैं ना पुराने जो सुनते आते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसी प्रकार वो प्यार मेरे को देते हैं, और जो माता पिता का सहयोग, सभी वहाँ के जो जन है वो अपना भाई मानते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से लगातार ये राजनीति करने की और आगे बढ़ते हैं। मंत्री महोदय, राजनीतिक जीवन में अधिकतर जो राजनेता हैं उनके बारे में कहा जाता है, कई बार वो खुद भी बोलते हैं कि जब से राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन उनका शुरू हुआ है, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, पहले आप सुवासरा में थे, सुवासरा के विधायक रहे, फिर आप मंत्री रहे, अब आप प्रदेश की जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, आप शाजापुर, नीमच और आगर प्लांट के लिए आते जाते ही होंगे पूरे प्रदेश, भोपाल में आपको हर मंगलवार को कैबिनेट के लिए रहना पड़ता है, ऐसे में परिवार के लिए समय नहीं निकालते, भाभी जी नाराज होती हैं? भाभी जी का सही, आपकी भाभी का सहयोग नहीं होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि उसमें भी उनका बड़ा योगदान ये है कि आपके घर में अगर शांति है तो आप राजनीति कर सकते हो, और घर में आप राजनीति भले कितनी भी कर लो, और घर में जाओ तो अगर आपको वहाँ पर आपका परिवार का प्यार नहीं मिल पाता है तो आप राजनीति नहीं कर पाते हो। मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से मेरी पत्नी को कि वो एक ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत ही सहयोगी एक गृहिणी पत्नी है, और लगातार पूरा सहयोग करती है, और बच्चे भी जब से मेरा बड़ा बालक 6 महीने का था जब मैं उस टाइम पे सरपंच बन गया था, आज 22 साल का है, तो कहीं ना कहीं सब बच्चों को भी, हाँ कहीं ना कहीं जो प्यार उनको मिलना था उसमें जरूर कमी रही, पर पब्लिक में ज़्यादातर रहने का काम पड़ता है, क्षेत्र में ज़्यादा रहने का काम पड़ता है, और अब जो जवाबदारी मिली है तो उसमें तो बहुत ही कम समय परिवार को दे सकते हैं, पर परिवार का सहयोग है इसलिए सबका प्यार लेने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। घर जाते हैं तो घर के काम करते हैं? घर का काम तो जब मिले, जब थोड़ा टाइम मिलता था पहले करते थे, पर अब कुछ महीनों से टाइम बिल्कुल किचन में भी हाथ बटवाते थे। अरे मेरे को रोटी बनाना आती है, सब्जी बनाना आती है, और सब घर के जितने भी काम हैं मैंने मतलब कि अपने मतलब सभी काम कर सकते हैं, और क्योंकि मतलब सर्वगुण संपन्न है, और जब भी मौका मिला करा है। बच्चों के भविष्य को लेकर क्या सोचा है? बच्चों को जो हमारे पिताजी ने हमें शिक्षा दी है वही मैं बच्चों को बोलता हूँ, मेहनत करो, सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी, और जब तक अपन कर्म नहीं करेंगे, जब तक कोई भले आप किसी के भी पुत्र हो, किसी के भी बेटे हो, पर आपके कर्म ही आपको आगे ले जाएंगे। आपके पिताजी मंत्री हैं वो अलग बात है,
पर आपके कर्म ही आपको सफलता दिलाएंगे। इसलिए आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जिस क्षेत्र आपको चुनना हो उसमें मेहनत करना पड़ेगी। दो ही बच्चे अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक की पूरी हो चुकी है और दूसरा सेकेंड ईयर में है। मेरा मानना है बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर का उनके ऊपर आशीर्वाद है। सर, परिवार के बाद अब मैं आपके क्षेत्र पे आता हूँ, सुवासरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से आप सरपंच भी रहे हैं, फिर आप विधायक भी रहे और अब मंत्री भी हैं। सुवासरा को लेकर क्या सोचते हैं? सुवासरा के लोग आपसे जब मिलते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं, बिल्कुल, और उनके लिए क्या सोचा है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि जहाँ पर राजनीति करते हैं और जनप्रतिनिधि का क्या फर्ज बनता है। मुझे खुशी है कि जो भरोसा पब्लिक ने मुझ पर करा था और करा है, लगातार उस पर खरा उतरते हुए, क्योंकि एक जब वोट देती है तो जनता उसमें एक आशा और एक भरोसा होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं सरपंच बना तब अच्छे बेहतरीन काम हुए, नंबर वन की पंचायत बनी, जन भागीदारी से वहाँ की सड़कें बनाई, वहाँ पर तहसील बनवाई, उसके बाद जो विकास काम होता था वहाँ पर करा, जिला पंचायत में अच्छे काम करे, और जब से विधायक बना हूँ 13 से अभी तक जो वहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी डिमांड थी कि वहाँ पर युवा वर्गों के लिए, मतलब वर्ग के लिए जो बाहर पढ़ने जाते थे छात्र, उनको श्यामगढ़ सुवासरा सीतामऊ कॉलेज मिले, कॉलेज की बिल्डिंगें मिले, श्यामगढ़ सुवासरा के कॉलेज स्वीकृत कराएं, सीतामऊ श्यामगढ़ सुवासरा की बिल्डिंगें वहाँ पर आज बिल्डिंगें स्वीकृत है, बन के तैयार है। वहाँ पर सबसे बड़ी एक जो मन में एक सपना लेके आया था कि ये काम होना चाहिए कि वहाँ पर हमारी चंबल मैया जो 50 किलोमीटर तक मेरी विधानसभा से बह के निकलती है वो पानी किसानों के खेत तक पहुँच जाए। जब मैं विपक्ष में था, शिवराज सिंह जी चौहान साहब सीएम साहब थे, तो उस टाइम पे मैंने उनसे मांग करी थी कि एक हिस्सा सुवासरा श्यामगढ़ जो हमारे नदी के इस पार चंबल मैया के और एक कैंपुर और सीतामऊ उस पार है, मैंने कहा ये सिंचाई योजना स्वीकृत करें। मैं धन्यवाद दूँ शिवराज सिंह जी चौहान साहब को कि उस टाइम पे 1650 करोड़ की योजना स्वीकृत उन्होंने करी, आज वो लगातार चल रही है और 1-1.5 साल में जब पानी उनके खेतों पे पहुँचेगा उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। दूसरा, जब मैं दूसरी बार विधायक बना, पहले तो मैं संभाग में इकलौता कांग्रेस का विधायक था, 28 बीजेपी की थी और मैं कांग्रेस का था। दूसरी बार जब विधायक बना तो संसदीय क्षेत्र में इकलौता कांग्रेस से था, सब बीजेपी की सीटें थी, और जब कांग्रेस की सरकार आई, क्योंकि मैंने शिवराज जी के टाइम पे तो काम करा लिया था एक हिस्से में, जब कांग्रेस की सरकार आई तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अब मैं खुद विधायक हूँ, इकलौता विधायक हूँ, सरकार हमारी है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उनसे एक डिमांड लगातार करता रहा कि कैंपुर सीतामऊ सिंचाई योजना स्वीकृत कर दें जिससे पूरी विधानसभा को सिंचाई योजना का लाभ मिले। दुख की ये बात है कि वो स्वीकृति नहीं दे सके, खाली चलो चलो का एक स्टाइल करते रहे, और लगातार लिखित में और बोली में कई बार उनसे मेरे रूबरू बात करने की कोशिश करी, पर नाराज़गी होगी कोई उनके मन में, आखिर में ये स्टेप उठा जब जब चेंज हुआ और जब शिवराज सिंह जी चौहान साहब से मुलाकात हुई, बात हुई, मैंने कहा मेरी नाराज़गी ये थी और मेरे को आपसे यही एक काम है कि मेरे को सुवासरा विधानसभा में सीतामऊ कैंपुर सिंचाई योजना स्वीकृत करें। मुझे खुशी है कि 21 अरब की योजना विधानसभा में स्वीकृत हो गई है, आने वाले दिनों में जैसे ही राशि उपलब्ध होगी और जिस दिन वो काम प्रारंभ होगा तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा दिन होगा। राजनीतिक आदर्श किसको मानते हैं आप? मैं राजनीति आदर्श जो हमारे कई ऐसे लीडर हैं जो देश के लिए, मैं तो राजनीति में मानूं या फिर अपनी ज़िंदगी में मानूं तो मैं सबसे बड़े आदर्श तो मेरे भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ये आदर्श रहते हैं। जब भी कोई बात आती है तो इनका दिमाग और जुनून दिल और दिमाग में रहता है कि जब इतनी कम उम्र में जब इनको मौका मिला देश के लिए कुछ करने का, उन्होंने तो अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया, हमें तो अभी प्राणों की आहुति देने वाली तो एक सेकंड बात है, आज जो जीवन मिला है वो जनता के काम आए और देश के काम आए, ये उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते रहते हैं। आपने विकास की लाइन पे मतलब कांग्रेस छोड़ा?
बिल्कुल 101%, क्योंकि जब शिवराज जी ने विपक्ष में मेरे को सिंचाई योजना दी हो, तो कांग्रेस में जब मैं इकलौता विधायक था, सिंचाई योजना दे सकते थे, जो मेरी डिमांड थी वो दे सकते थे। आज हमारे मोरडी माता, जो हमारे सीतामुखी एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके विकास की राशि मांगी तो उन्होंने दी। हमारे महिषासुर मर्दनी श्यामगढ़ का एक फेमस मंदिर है, उसके लिए राशि मांगी कमलनाथ जी ने दी। आज शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने उनके लिए विकास की राशि दे दी। मेरे को कई सड़कें उन्होंने दे दी, चाहे वो लखपा हनुमान जी हो, भड़केश्वर महादेव हो, या मोड़ी माता रोड हो, कई ऐसी सड़कें उन्होंने दी। और तो और 24 घंटे इन स्थानों पर विद्युत व्यवस्था पहुँचे, इसके लिए 5 करोड़ की राशि ये पैकेज अलग से दिया। आज 24 घंटे लाइटें वहाँ पर पहुँच कर वो सुविधा प्राप्त हो गई। आज जो मांगा शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने दिया, और जो उपचुनाव में जो उनके अभी घोषणाएं थी, जो सिंचाई योजना हो या सेदरा करनाली का डैम हो या अन्य जो भी विधानसभा में आवश्यकता है, मुझे विश्वास है कि चुनाव पहले सब काम प्रारंभ होके जनता को एक तोहफा जरूर मिलेगा। आप 2 बार कांग्रेस से जीते, 1 बार बीजेपी से जीते। सोच होती है पार्टी के लिए, जिस पार्टी के लिए हम काम करते हैं उसकी एक विचारधारा होती है। आप बीजेपी में हैं, पहले कांग्रेस की विचारधारा थी या बीजेपी की, सामंजस्य बिठाने में? एक विचारधारा है, पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, पर सबसे बड़ी विचारधारा है देश का हित। मैं जब कांग्रेस में था तो माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने जब 370 हटाने का जब हुआ कानून बना, तो सबसे पहला हरदीप सिंह डंग विधायक था जब मोदी जी का समर्थन करा था कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाई और तिरंगा गाड़ के बता दिया। CAA का कानून आया जब उनका समर्थन करा, राम मंदिर की बात आई तो समर्थन करा, और देश से बड़ा कोई नहीं होता है, उधर भी रहता था तो डंके की चोट पर बोलता था, और एकात्म यात्रा जब निकली तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का इकलौता विधायक था जहाँ पर शंकराचार्य जी की रथ यात्रा पर चढ़कर मैंने उनका स्वागत करा था। एक भी विधायक पूरे मध्य प्रदेश में शंकराचार्य जी की यात्रा में नहीं गया, क्योंकि ये भावना होती है देश के प्रति और धर्म के प्रति। और जब मैं आज इधर आया हूँ तो मैं आज ये मानता हूँ कि जो यहाँ पर एक पार्टी का संगठन की ताकत है वो एक अपना में महत्वपूर्ण है। वहाँ पर व्यक्तिगतवाद था, वहाँ पर गुटबाजी ये थी कि वहाँ पर कांग्रेस अपनी जगह है, पर वहाँ पर कौन से गुट का कौन किस व्यक्ति की बात मानते हो, किसके से आप दिग्विजय सिंह जी गुट के हो के, कमलनाथ जी गुट के हो के, फलाना गुट के हो, यहाँ पर एक ही गुट होता है, वो होती है अपनी पार्टी, और जो संगठन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। कौन बेहतर है, कमलनाथ या शिवराज? अब मतलब शिवराज जी जैसा मुख्यमंत्री मिलना इतना मुश्किल है, क्योंकि मैंने कोरोना महामारी में उनको बहुत नज़दीक से देखा है। उन्होंने रात रात जागकर और विधायक और मंत्रियों से 6-6, 7-7 घंटे मीटिंग करना, अधिकारियों से मीटिंग करना, एक एक गांव की बात उनको जानकारी लेना और उनको संभालना, यहाँ तक कि जो गैस के टैंकर आ रहे थे उसमें भी अगर वो जो मुख्यमंत्री रात को 1:30, 2:00 बजे जाके ड्राइवर से तक बात कर ले अपनी जनता की भलाई के लिए किस हद तक चल जाए, तो मैं मानता हूँ कि वो मुख्यमंत्री एक जो जनता उनको मामा के रूप में जानती है वो ऐसे ही नहीं जानती, उन्होंने कुछ करके बताया है। और जो उनकी भावना होती है, और लगातार वो भी यही कहते हैं कि कब अपन अपने एंड हो जाए उसके पहले जितना जनता का भला हो करना चाहिए, और ये सभी मंत्रियों को लगातार सक्रिय रखते हैं। कौन बेहतर है, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र जी मोदी, क्योंकि जो एक भी पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, उनके सरकार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जो भी कदम उठाए हैं दमदारी से उठाए हैं, जो निर्णय किया है जनता के हित में कराए। आज गैस जो हमारी माताएं बहनें चूल्हा जलाती थी, आज उनको गैस का सिलेंडर, जो आंखें बसलते हुए अपनी रोटी बनाती थी आज उनके पास गैस का सिलेंडर है। आज जो खाते खुलवाए थे जब तकलीफ आई थी, आज वर्तमान में जब खातों में डायरेक्ट रुपया जाता है, बीच में बिचौलिए जो रहते थे दलाली खत्म हो गई, आज उनके खातों में डायरेक्ट रुपया जाता है। 370 का काम उन्होंने करा, राम मंदिर प्रारंभ उनसे हुआ, CAA का कानून वो लाए, और लगातार जिस प्रकार से जो किसानों के खाते में रुपया डाल रहे हूँ, जो कदम उठा रहे हैं वो देश हित में उठा रहे हैं, और जो स्ट्राइक करी थी
वो कहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें हम किस्मत वाले हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं जो दमंग है, जो निर्णय लेते हैं और जनता के पक्ष में काम करते हैं। एक सवाल है, पंजाब चुनाव आने वाला है, 19% पंजाब में सिख आबादी है, बाकी हिंदू अदर और दलित को लेकर डिवाइडेशन इस बार पंजाब चुनाव में पहली बार देखने को मिल रहा है। आप जाएंगे पंजाब, पंजाब की राजनीति पे क्या बोलेंगे? पार्टी जो आदेश देगी, पंजाब जहां पर भी भेजे पार्टी का आदेश होगा, वहां पर काम करने के लिए तैयार हैं। और जो वहां पर अभी वर्तमान के दौर में पंजाब में या पंजाब के जरिए जो आंदोलन किया जाता है, वहां जनता जानती है और पूरा हिंदुस्तान जानता है। कुछ व्यक्ति हैं जो लगे रहते हैं कि मोदी जी की प्रसिद्धि को कैसे धक्का पहुँचाएं, पर कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई उनके साथ है। सर, अब आपके विभाग की ओर वापस से आते हैं, क्या प्लान है विभाग का मध्य प्रदेश को लेकर? मेरे पास दो विभाग हैं, एक तो अभी आपको मैंने बताया कि नवीनीकरण ऊर्जा हमारा लगातार काम कर रहा है और आने वाले भविष्य में ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पार्क के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो विश्व में सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा, 600 मेगावाट का करीब है और उसकी तैयारियां हमारी लगातार चल रही है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में 3-4 महीने में उसको हम आगे प्रोग्रेस करके उसका टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और 23 तक हो सकता है कि उसको हम मध्य प्रदेश को समर्पित करें और आगे उससे एक नया उदाहरण पूरी दुनिया को जाएगा। उसके बाद हमारे पास छतरपुर है, मुरैना है और लगातार जो काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मोदी जी का सपना सोलर के लिए है, वो मध्य प्रदेश में उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे विभाग का है। पर्यावरण की बात रही तो लगातार मेरा मानना है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, कि अपन इंदौर स्वच्छता की बात करते हैं, भोपाल स्वच्छता की बात करते हैं, मेरा सपना है कि हमारी पंचायत भी शहरों के साथ एक छोटे छोटे गाँव भी पर्यावरण के हिसाब से वो भी स्वच्छ हों, वहाँ पर भी सफाई स्वच्छता हो। तो मनरेगा की राशि से मैंने अभी आदेश दिए हैं मेरे विभाग के माध्यम से कि वहाँ पर भी जब सड़कें बने तो दो ही तरफ नालियाँ हों, उसका पानी बीच रोड पे ना निकले, लगातार जो हम हैंडपम्प का पानी पीते हैं वो स्वच्छ मिले। और उसके लिए हमने कलेक्टर से मीटिंग करके उनके आदेश दिए हैं, तो आप देखेंगे पर्यावरण विभाग ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक जो काम करेगा वो एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठा रहा है। और अभी हम जो ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़ी है, इसका क्या महत्व है, जो दुनिया ने देखा है, हमने समझा है, तो वृक्षारोपण के रूप में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी अंकुर योजना चलाई थी उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और पर्यावरण के रूप में भी हम अच्छे वृक्षारोपण कर रहे हैं। नीमच, आगर, शाजापुर, इसमें जो प्लांट्स लग रहे हैं इनको लेकर क्या है पूरी रूपरेखा? अभी ये इसका अभी जो प्रक्रिया चल रही है ये जैसे ही संपन्न होगी, और मेरा मानना है कि हम 23 तक मध्य प्रदेश में प्लांट प्रारंभ करके यहाँ पर जो सस्ती बिजली, मैं पुनः आपके माध्यम से बताऊँगा कि सबसे हिंदुस्तान में सबसे कम रेट हमारे विभाग ने अभी यहाँ पर तय करने जा रहे हैं। वो आगर के हो चुके हैं, शाजापुर के होने वाले हैं आज के दिन में, और उसके बाद नीमच उसको हम शामिल कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब सस्ती बिजली मिलेगी तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को जाकर इसका भी फायदा होगा और ये पर्यावरण को भी बचत करेगी। आने वाले समय में क्या बिजली बिल वाकई कम हो सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता? बिजली बिल अगर आप सोलर ऊर्जा का जितना उपयोग करेंगे, क्योंकि एक किसान का बिल जो हम लेते हैं किसानों से 3,000 रुपये महीना या 6 महीने के 3,000 रुपये और जो तय कर रखे वो लेते हैं, किसान का जब बिल आता है तो 45,000 रुपये साल के सरकार उसमें जमा करती है। तो आज इतनी विद्युत व्यवस्था जो तेज़ी से बढ़ रही है, अगर किसानों को फायदा, आम जनता को फायदा पहुंचाना है तो सोलर ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में इसका फायदा मिल सकता है। यूपी में मैंने खास तौर पर देखा था कुछ योजनाओं में कि जो उत्तर प्रदेश के जो लोग रहने वाले उनके लिए भी कई योजनाएँ चला रहे थे सोलर ऊर्जा के माध्यम से। मध्य प्रदेश में भी 7.5 करोड़ लगभग जनता यहाँ पर रहती है, कई परिवार यहाँ पर हैं, उन परिवारों के लिए सोलर ऊर्जा के माध्यम से कोई योजना आपके पास या उनकी छतों पर कुछ सोलर प्लेट्स वगैरह आप लगाकर उनको भी बिजली की जो बचत है या बिजली का जो यूज़ है सोलर ऊर्जा का, उसके लिए कोई योजना या लाने वाले हैं?
उसको रूफटॉप योजना बोलते हैं, जो छतों पे लगाई जाती है। और उसमें पहले हमारा विभाग सरकारी और प्राइवेट छतों पर इसका लगातार काम कर रहा था, पर अभी कहीं ना कहीं हमारा जो MPB है वो प्राइवेट व्यक्ति अगर कोई लगाना चाहता है तो रूफटॉप के माध्यम से रेस्को मॉडल के हिसाब से वो अभी अगर कोई आप लगाना चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं, कोई होटल वाला लगा सकते हैं वो भी लगा सकते हैं। आप आवेदन देंगे, MPB वाले सर्वे करेंगे और आपको हम उसकी अनुमति देकर आपके यहाँ लगवा सकते हैं, पर वो MPB में आवेदन देना पड़ता है। ऐसे ही हम जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं हमारा विभाग उस पर लगाने का कार्य लगातार बढ़ रहा है, पर अभी कुछ बीच में कहीं ना कहीं नेट मीटरिंग के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई थी और उसको और गति बढ़ने की पूरी संभावना है। और जब सब शासकीय बिल्डिंगों पर यह लगेगा तो कहीं ना कहीं बचत होगी और हमारा विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश कहाँ होगा? जिस प्रकार से अभी गुजरात और राजस्थान में कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा है मध्य प्रदेश का, तो आप देखेंगे कि जो अभी हम अभी 2-3 महीने 4 महीने या 6 महीने में और अभी 2023 तक जिस प्रकार से हम उत्पादन करने जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में टॉप 5 में तो किसी भी हालत में रहेगा, 5 में क्या 3 में आएगा। मंत्री महोदय, कोरोना काल में एक अलग हटके चीज़ सामने आई थी कि पर्यावरण बड़ा साफ हो गया था, लोग अपने घरों में बंद थे, गाड़ियाँ बंद थी, चल नहीं रही थी, उसके बाद फैक्ट्रियाँ बंद थी, तो पर्यावरण काफ़ी साफ था, दूर दूर तक का इलाका जो है वो साफ दिखने लगा था। हालात फिर वैसे ही बन गए हैं, पर्यावरण को लेकर फिर क्षति पहुँचाई जा रही है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। आपके पास ऊर्जा विभाग भी है, नवीनीकरण ऊर्जा विभाग भी है, सोलर ऊर्जा भी और पर्यावरण भी है, पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित रखेंगे? 2-3 चीज़ें हैं, क्या फैक्ट्री चल रही है या प्रदूषण हो रहा है, तो उसमें अभी हमारी स्कीम है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं अगर मार्केट में ज़्यादा आती है और उसके पंप लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक राहत मिलेगी। जो गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल खर्च होता है उसमें कहीं उससे पर्यावरण को अपन सुरक्षित रख सकते हैं। और रही बात, आप जितनी भी फैक्ट्रियाँ कहीं लग रही है, सड़क बनती है या कोई भी निर्माण कर उद्योग धंधे आते हैं, तो आप पौधे जितने ज़्यादा ज़्यादा लगें, और मैंने भी आदेश भी दिए हैं कि जितनी भी जहाँ पर क्रेशर मशीनें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, या हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि कोई भी मकान बनाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास बनाए या अपने घर में कोई भी अनुमति लेगा, तो पेड़ जब तक नहीं लगाएगा उसको अनुमति नहीं दी जाए। तो जिस प्रकार से अभी पर्यावरण में जो चिंता विभाग तो हुआ ही है, पर एक व्यक्ति भी खुद चिंतित हुआ है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है, तो हमारे विभाग द्वारा भी करीब 2 लाख तो में 2 लाख तो मेरे विधानसभा मतलब मंदसौर जिले में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य, और पूरे मध्य प्रदेश में करोड़ अभी पेड़ हमारे लगाने की स्कीम है। और मुझे विश्वास है कि पर्यावरण में जो अभी उत्साह आया है जनता में, खुद अवेयरनेस जो आई है, तो उसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा। मंत्री महोदय, फैक्ट्री, अस्पताल या जो भी प्रदूषण फैलाने वाले साधन होते हैं उनमें तरल पदार्थ के लिए ETP और STP प्लांट लगता है। मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि उस और पर्यावरण विभाग जो है बहुत नीरस व्यवस्थाओं के साथ चल रहा है। नहीं, उसके लिए लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उसको जो लिक्विड और जो सूखा जो रहता है, लिक्विड रॉ मटेरियल रहता है, उसको समाप्त करें, उसको डिस्पोजल करने के लिए हमारे पास एक इंदौर के पास एक स्थान वहाँ पर थे, वहाँ पर वो मटेरियल जाता है, रॉ मटेरियल जाता है, उसको वहाँ पर समाप्त किया जाता है। वहीं कहीं जो शिकायतें हमारे पास आती है कहीं ना कहीं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं और लगातार विभाग इस पर अपना नज़र रखे हुए। और आजकल तो हमने चिप के माध्यम से फैक्ट्रियों पर जो रिपोर्ट होती है, जहाँ पर एक्टिविटी होती है, वो हमारे भोपाल में मेन कार्यालय पे आती है, और अगर कोई शिकायत आती है तो हम अपनी टीम भेजकर उस पर कार्रवाई किया। अंतिम प्रश्न है मेरा, हरदीप सिंह डंग को भविष्य में लोग किस वजह से जानेंगे? हरदीप सिंह डंग को अगर जाने तो एक सेवक के रूप में, एक अपने भाई के रूप में, एक प्रेम के रूप में, और एक जो तड़प रहती है विकास की, जो विकास कराए हैं, मैं मानता हूं कि जनता हमेशा उसको देखेगी, जानेगी और मानेगी,
और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक सांस रहे मैं जनता की सेवा करता रहूँ, यही ईश्वर से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र रहता है कि वो हमेशा जनता की सेवा करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर अगर अब मंत्री महोदय की बात को हम लोग ध्यान दें तो ये राजनीति में भी इसलिए आए कि ये कहीं ना कहीं देशभक्त जो थे, स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे, उनसे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, और मध्य प्रदेश की राजनीति में आने का इनका बहुत बड़ा कारण था कि इनका क्षेत्र, प्रदेश, उसके विकास को लेकर कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ करना चाहते थे। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा को लेकर, पर्यावरण को मजबूत करने में हरदीप सिंह डंग जी लगे हुए हैं। हरदीप सिंह जी, आप जो सोचते हैं और जो कर रहे हैं उसमें सफल हों, यही हमारी आशा है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, अगले अंक में हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे एक नई शख्सियत के साथ कार्यक्रम रूबरू में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।